हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी माय यूनिकॉर्न हाउस। सो मेरे दिमाग में एक बहुत डिफरेंट सा आइडिया आया कि मैं आज यूनिकॉर्न हाउस बनाती हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इस हाउस को कुछ यूनिकॉर्न के स्टिकर से ना बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से स्टिकर्स मैंने लगाए हैं। यहाँ पे रेनबो वाला, यूनिकॉर्न वाला, ये बहुत क्यूट लगा मुझे। एंड यहाँ पे भी कलरफुल यूनिकॉर्न वाला। तो चलो अब हम इसमें फर्नीचर्स को सेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फर्नीचर जो बनाया वो बनाया मैंने यहाँ पे बेड के ना, यहाँ पे इधर वाली साइड मैंने यूनिकॉर्न, यहाँ पे यूनिकॉर्न का स्टिकर चिपकाया है। एंड इधर वाली साइड मैंने रेनबो वाला स्टिकर चिपकाया है। यहाँ पे मैंने एक पिलो भी लगा दिया। इधर से मैंने कुछ नहीं लगाया बिकॉज मैं यहाँ पे इसको ऐसे दीवार के साथ लगा दूँगी। एंड साइड में मैंने बनाया यहाँ पे एक बेड टेबल, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये जो मैंने हैंडमेड स्टिकर्स बनाए थे ना, मैंने उसकी हेल्प से इसको डेकोरेट किया। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो वाली वीडियो भी देख लो। सो ये यहाँ पे बेड टेबल भी मैंने लगा दिया है ना। बेड टेबल के ऊपर मैं कुछ सामान रख देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर एक आईफोन रखा है। सो एंड नेक्स्ट दिस इज़ अ अलार्म क्लॉक। सो अब हम रखेंगे हमारी मेन चीज़, दिस इज़ द अलमीरा। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने अलमीरा फ्रूटी के डब्बों से बनाई है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने हिंट थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको कि ताकि आप भी बना सको ऐसा। जैसे ये फ्रूटी के दो बॉक्स को मैंने ज्वाइन कर दिया एंड वो अलमीरा बन चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अंदर से। ये हमारा यूनिकॉर्न बैग, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, यहाँ पे यूनिकॉर्न जैसा स्टिकर लगा रखा है। अंदर से कुछ बहुत कुछ रख सकते हो आप। एंड अंदर से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैंगिंग करने के लिए एक मैंने डंडी लगा दी है। फ्रूटी की जो पाइप होती है ना, उसकी हेल्प से लगाया मैंने। एंड अंदर का जो सिल्वर पोर्शन है ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको आपको कवर करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सच्ची में लोहे की बनी हुई है। सो आप भी इसको डेफिनेटली ट्राई करना। एंड इधर वाली साइड मैंने कुछ भी नहीं रखा, अभी फिलहाल एक स्टिकर रखा हुआ है। सो इसको हम कुछ इधर वाली साइड रखेंगे। सो जो मैंने नेक्स्ट फर्नीचर बनाया वो मेरा फेवरेट है। सो दिस इज़ द माई सोफ़ा। ये बहुत ब्यूटीफुल है। इस पर ये पूरा वाइट कलर का है। एंड इसके ऊपर ये जो यूनिकॉर्न का स्टिकर है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये वाइट काउच के ऊपर। एंड इसको मैं यहाँ पर रखूँगी। एंड उसके साथ मैंने बनाया है एक यूनिकॉर्न का टेबल, जिसके नीचे मैंने बहुत सारे स्टोन्स लगा दिए हैं ताकि कुछ थोड़ा ऊँचा आ जाए। एंड ये मैंने मैच बॉक्स की हेल्प से बनाया है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। एंड इसके ऊपर ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो ये मेरा काउच एंड टेबल। सो नाउ अब हम यहाँ पर, ये यहाँ पे एम्प्टी रह गया, यहाँ पर हम रखेंगे मिरर ड्रेसिंग टेबल रखेंगे। ये मैंने बनाया यहाँ पे यूनिकॉर्न ड्रेसिंग टेबल, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ पर टू ड्रॉर्स हैं। एंड इधर वाली साइड यहाँ पर एक मिरर है। एंड यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न जो कि आइस क्लोज करके स्माइल कर रहा है। एंड इसके सामने मैं एक छोटा सा टेबल रखूँगी जिस पर बैठ कर मेकअप कर सके। एंड इसके ऊपर मैं कुछ नेल पॉलिश रख देती हूँ। सो गाइस, आज की आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। एंड आप भी ये ज़रूर ट्राई करना, मुझे बहुत मज़ा आया। ये छोटा सा मिनिएचर सा कलरफुल हाउस बहुत प्यारा लगता है दिखने में भी। सो ये डेफिनेटली ट्राई, बस इसमें हमें कलरफुल कलर करना है। एंड ऐसे ये बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, मैं आपको बता दूँ कि जो ये मेरा बेस था, जो ये मैंने हाउस लिया, वो मैंने एक शू बॉक्स से बनाया था जिसको मैंने काटा था, ऊपर से काट लिया था। एंड तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि नए वीडियोस आएँ आपको पहले पता चले। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।